कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने अपने दादा फिरोज गांधी के गृह जिले भरूच से किया है। भरूच में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है और बिजली, पानी और किसानों की जमीन को लेकर गुजरात सरकार को घेरा है। पूरे गुजरात में पानी की समस्या है। नर्मदा की बात होती है, किसान को पानी नहीं मिलता, गरीब को पानी नहीं मिलता, आदिवासी को पानी नहीं मिलता, पूरा का पूरा पानी 10-15 उद्योगपतियों के हाथ में किया जाता है। और यही बात बिजली की है और आपकी जमीन की। राहुल ने गुजरात में स्कूलों और अस्पतालों के निजीकरण को लेकर भी मोदी और गुजरात सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, ये गुजरात मॉडल है, यहाँ बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। 90% कॉलेज बड़े से बड़े उद्योगपतियों के हाथ में कर दिए गए हैं। गुजरात का नागरिक, युवा अगर शिक्षा चाहता है तो जेब में से उसको 5-10-15 लाख रुपए पहले निकालने पड़ते हैं। गरीब लोगों के पास कैपिटेशन फी देने के लिए 15-20 लाख रुपए नहीं होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में एक गरीब व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। यह सच्चाई है। गुस्सा का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गुजरात में अगर युवा शिक्षा चाहता है तो उसे 10-15 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और अगर नहीं देता है तो शिक्षा नहीं मिलती। हजारों स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। कोई बीमार होता है वहां भी उद्योगपति बैठे हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल में जाइए, कैंसर हुआ, दिल की बीमारी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेब में पैसा है या नहीं। अगर पैसा नहीं है तो ना आपका कैंसर का इलाज होगा, ना दिल की बीमारी का इलाज होगा, आपको अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाएगा। गुजरात मॉडल है भैया, गुजरात मॉडल है। यहां पे पैसा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। राहुल ने मोदी के मेक इन इंडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन में हर रोज 50,000 युवा को रोजगार दिया जाता है, जबकि भारत में मोदी जी का मेक इन इंडिया सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाता है। और मैं आपको आंकड़े देता हूं, हमारी लड़ाई चीन से है और किसी से नहीं। जो भी बनता है, जो भी बिकता है, उसके पीछे आप देखिए, उसके पीछे आपको मेड इन गुजरात नहीं दिखाई देगा, मेड इन इंडिया नहीं दिखाई देगा, उसके पीछे आपको मेड इन चाइना दिखाई देगा। और जब आप सेल्फी लेते हैं, जब आप वो बटन दबाते हैं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे आपने वो बटन दबाया, चीन के एक युवा को आपने रोजगार दिया। हिंदुस्तान के युवा को नहीं, गुजरात के युवा को नहीं, चीन के युवा को आपने रोजगार दिया। तो कंपटीशन, मुकाबला हमारा चीन के साथ है। और मैं आपको आंकड़े दे देता हूं, चीन में हर रोज, हर 24 घंटे 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाता है। आबादी तकरीबन एक है चीन की और हिंदुस्तान की। चीन में रोज 50,000 युवाओं को रोजगार, और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है।
कहां 450 और कहां 50,000। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, पूरे हिंदुस्तान को कहा कि सब कुछ हिंदुस्तान में बनेगा, और आज गुजरात में 30 लाख युवा बेरोजगार खड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में साल भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देती है। जीएसटी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता डाला। एक टैक्स लगाइए, 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्यार से करिए, आस्ते से करिए, सिस्टम टेस्ट करके कीजिए, एकदम मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने निर्णय ले लिया है, 12 बजे रात को पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल सेशन होगा और एकदम हम लागू करेंगे, और जीएसटी लागू कर दी। मैंने उसको नया नाम दिया है, गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी ने कहा कि जनता के बीच जीएसटी और नोटबंदी को लेकर करंट है, और वोटिंग के दिन बीजेपी को करंट लगेगा। कितना फायदा हो रहा है जनता को जीएसटी से, कितना फायदा हुआ नोटबंदी से, कितना फायदा हुआ। मगर सच्चाई है कि गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में दुख है, गुस्सा है, और जैसे गहलोत जी ने कहा, अंडर करंट है, अंडर करंट। गुजरात के चुनाव के दिन में वो अंडर करंट बीजेपी को लगने वाला है, करंट लगने वाला है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।